dear student, we have to discuss about the sporting organization and associations। हम चिली की बात कर रहे हैं और चिली के अंदर जो है हमने मुख्तलिफ फेज उनको हम डिस्कस कर लिया है अब हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेश्स की बात करते हैं एसोसिएशंस की बात करते हैं जिन्होंने चिली के प्रोग्राम को सपोर्ट किया आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से चिली का करो कलम बहुत अच्छा डेवलप हुआ आप हम बात करते हैं फंड एलोकेशन के हवाले से फंड एलोकेशन के अप्रोप्रिएट थी टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो टीचर्स ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट थी हमने जो आइडेंटिफाई किया था चिली के अंदर कि थेरी प्रैक्टिस गैप कहाँ पे आया है डॉक्यूमेंट बहुत खूबसूरत है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कहाँ पे इशू आ रही हैं मॉनिटरिंग भी बहुत हो रही है तो वो हमारा आइडेंटिफाई हुआ था लो सैलरी का अब अगली जो गुफ्तगु करते हैं वो हमारे पास है सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने उसके साथ काम किया पॉलिसीज बहुत अच्छी थी 2006 और 2010 के दौरान मुख्तलिफ लिए गए नॉन इंटरनेशनली एज द करिएशन ऑफ द चिली ग्रोज विथ यू यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ एसोसिएशन ने चिली गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव लिए उसका नाम रखा चिली ग्रोज विद यू ये एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम था जो क्या प्रोवाइड करता था वो एक कंप्रीहेंसिव केयर फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स उनको प्रोवाइड कर रहा था जो के बचपन से सोशल इकोनॉमिक का शिकार थे वो याद है हमने पिछली एक दफा गुफ्तु की है कि जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर था उसके भी उसको असरात आ रहे थे उन्होंने बर्थ से जिसको वो जीरो का नाम देते हैं अगरचे जीरो तो नहीं होता वन डे से भी नाम शुरू किया जा सकता है लेकिन वो ये के हवाले से बात करते हैं तो जीरो की बात करते हैं। उन्होंने उसको भी इंक्लूड किया और जो नर्सरी स्कूल थे और जो पब्लिक सेक्टर था उन सबको उसके अंदर इन्वॉल्व किया और जो उसका बैकग्राउंड था जिस बैकग्राउंड के अंदर उनके वो तमाम जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर से बच्चों पर असर मरतब हो रहे थे यहाँ पर उसको एड्रेस किया गया उसके सिलसिले में जो है उन्होंने बहुत से इकदाम किए यानी मैटरनिटी लीव को जो है उन्होंने सिक्स मंथ तक ले गए ताकि एक हेल्दी मदर का जो है आइडिया आया ताकि बच्चा पैदाश से पहले जो मदर को मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं जो फिर कनेक्ट होते हैं बच्चे के साथ और फिर बच्चे की बर्थ के बाद वो कंटिन्यू करते हैं उनको एड्रेस करते हुए मैटरनिटी लीव को सिक्स मंथ तक लेके गए और ये वो अचीवमेंट थी जिसके अंदर एक पॉसिबिलिटी नज़र आई और एक बात नज़र आई कि यहाँ पे जो परमानेंट कंसर्न है कंट्री का एक््रॉस द गर्मेंट वहाँ पे मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीस हैं उनके हवाले से उसके बाद जो गवर्नमेंट के हवाले से मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से इसको एड्रेस किया जा सके और जब इसको एड्रेस किया गया जो कि यूं समझेंड फिफ्टी से जाना है इशूज चल रहे थे तो वहां पर पहली दफा प्री स्कूल को प्रमोट किया गया द गवर्नमेंट यानी उन्होंने प्री स्कूल सेंटर्स बनाए वो जिसके हम पहले बात कर चुके हुए और में डे केयर सेंटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं कि जहां पे आपने देखा होगा कि हम इससे पहले जो गुफ्तू कर रहे थे उसके अंदर हमने देखा कि डे दे केयर सेंटर के अंदर जहाँ पे बच्चे को मुख्तलिफ अंदाज़ में केयरिंग के लिए हेल्थ केयर इश्यूज के सामने लेकर रखा जाता था उसके साथ उसके एजुकेशन ऐड की गई यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्री स्कूल सेंटर जो है उनको प्रमोट करना शुरू किया प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया ताकि वो तमाम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं पार्टिकुलरली वहाँ पे जो जर्मन्स हैं और अमेरिकन हैं जो इमीग्रेंट्स हैं जो वहाँ पे चिली के अंदर रहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर फैसिलिटेट हो सकें ताकि वो अपना कल्चर अपनी लैंग्वेज अपना रिलीजन उसको जो है वो प्रिजर्व कर सकें अब देखिए जो इमीग्रेंट्स हैं जर्मन है या अमेरिकन है या और मुख्त जो इमिग्रेंट्स हैं जो फिनंशली स्ट्रांग है जिनको फिनानशली कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है उनको एक फेस दिया गया प्री स्कूल सेंटर्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे वो पेमेंट कर सकते थे तो वो वहाँ पर पेमेंट करें उसके अंदर जो फोकस किया गया वो ये जर्मन और अमेरिकन के हवाले से उनका कल्चर उनकी लैंग्वेज उनका रिलीजन जो है उसको भी प्रिजर्व किया गया यानी वो जो डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं और जो हम कह रहे हैं कि करिकुलम डेवलप किया गया तो उस करिकुलम को एक्सटेंड किया गया और उसके अंदर जो है वो तमाम लोग जो इमिग्रेंट हैं जर्मन हैं और अमेरिकन हैं उनकी जो लैंग्वेज और कल्चर और रिलीजन है उनको प्रिजर्व करने का भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की गई उसके अंदर जो उनको एक जो समझिए अपॉर्चुनिटी मिली वो प्राइवेट सेक्टर से मिली